श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। आज मैं आपको शिव पुराण में वर्णित बहुत ही विशेष उपाय, जो कि मनोकामना पूर्ति के लिए जो विशेष उपाय है, उसकी आज हम चर्चा करने वाले हैं, जो कि पंडित प्रदीप मिश्रा ने अपनी कथा में बताया है। बहुत ही इजी, बहुत ही सरल उपाय है और इस उपाय को करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। यानी अगर आप किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति करना चाहते हैं, चाहे फिर वो आपका मकान बनाने की आपको आपकी मनोकामना हो, या कोई बड़ी नौकरी आप चाहते हैं उसकी मनोकामना हो, या आप पढ़ाई में कुछ अच्छा करने वाले हो, कुछ आप कंपटीशन एग्ज़ाम अगर दिया है उसकी सफलता की मनोकामना हो, या किसी भी प्रकार की आपकी शादी की कोई मनोकामना हो, तो जो भी मनोकामना है जो इस उपाय से ज़रूर पूरी होगी। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि उपाय क्या है और इसे कैसे किया जाता है, इसे कब किया जाता है, इसे कौन कर सकता है, तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको सामग्री बता देता हूँ कि इसमें कौन कौन सी सामग्री लगने वाली है। तो इसमें दो बेलपत्र लगेंगी, एक लोटा जल, यानी कि जो हम कलश बोलते हैं, यानी कि तांबे का लोटा, उसमें जल भरा होना चाहिए, और एक शहद होना चाहिए, यानी शहद की एक डिब्बी या कुछ भी शहद, थोड़ा सा शहद चाहिए। तो ये तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, बेलपत्र, दो बेलपत्र होना चाहिए, एक तांबे का लोटा जिसमें जल भरा हो, और थोड़ा सा शहद। इन तीन चीज़ों को लेकर, ये तीन चीज़ों की आपको जरूरत पड़ने वाली है। अब इस उपाय को करना कब है? उपाय कोई भी शंकर जी से रिलेटेड जो भी उपाय है, शिव जी से रिलेटेड जो भी उपाय होते हैं, वो अक्सर शाम को किए जाते हैं, मतलब प्रदोष काल में किए जाते हैं। अगर किसी को प्रदोष काल में समय नहीं मिलता तो वो फिर कभी भी कर सकता है, लेकिन जो इसका मुख्य समय है, जो ज़रूरी समय है, वो प्रदोष काल है। ठीक है, इसको कौन कर सकता है? कोई भी कर सकता है, जिसको अपनी मनोकामना पूर्ति करवाना है वो कर सकता है। चलिए मैं आपको ये बता देता हूँ इस उपाय को करना कैसे। तो पहले तो ये जो तीनों चीज़ें मैंने बताई, इन तीनों चीज़ों को लेकर आपको प्रदोष काल में शिव मंदिर जाना है और दक्षिण दिशा में आपको बैठ जाना है और उत्तर दिशा में मुंह कर लेना है, क्योंकि आप जब दक्षिण दिशा में बैठेंगे तो आपका मुंह उत्तर दिशा की ओर होगा। लेकिन ध्यान रहे, अगर मंदिर में भीड़ है तो आप किसी भी दिशा में बैठ सकते हो और किसी भी दिशा में मुंह करके आप पूजा या अपना जो उपाय है वो कर सकते हो। लेकिन अगर भीड़ नहीं है, या फिर आप ऐसे समय जाइए जब भीड़ ना हो, तो आप दक्षिण दिशा में बैठेंगे और उत्तर दिशा में मुंह करेंगे। जो बेलपत्री है, दो बेलपत्री, उस दो बेलपत्री में से एक बेलपत्री लेना है और उस एक बेलपत्री का जो बड़ी वाली पत्ती होती है, ऊपर जो ऊपर की तरफ बड़ी पत्ती होती है, उस बड़ी पत्ती पर शहद आपको लगा देना है, शहद लगा देना है। और दूसरी बेलपत्री जो एक दूसरी बेलपत्री, मैंने क्योंकि मैंने दो बेलपत्री आपको बोली है, तो दूसरी बेलपत्री के जो बड़ा वाला पत्ता है उसके नीचे एक डंडी होती है, उस डंडी यानी छोटी वाली दो पत्तियों के ऊपर और बड़ी वाली पत्ती के नीचे का जो पार्ट है, छोटी सी डंडी होती है, उस डंडी में भी आपको शहद लगा देना है। ठीक है, इन दोनों को शहद लगाने के बाद जो पहली वाली बेलपत्री है, जिसमें आपने पत्ते पे यानी बड़े पत्ते पे जो शहद लगाया था, उस पत्ती को आपको अशोक सुंदरी की जगह पर, अशोक सुंदरी की जो स्थान है वहाँ पर रख देना है या वहाँ पर अर्पित कर देना है। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्री की डंडी का जो मुख होगा वो जलाधारी की तरफ होगा। ठीक है, फिर से मैं बता देता हूँ कि दो बेलपत्री आपने ली है, उसमें एक बेलपत्री जिसमें बड़ी वाली पत्ती के ऊपर आपने शहद लगाया है, उस वाली बेलपत्री को आपको अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ाना है, यानी कि अर्पित करना है। उसका डंठल का मुँह किधर होगा, यानी डंठल किधर होगा, वो जलाधारी की तरफ होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया पहली बेलपत्री के बारे में। अब बात कर लेते हैं हम दूसरी बेलपत्री की। तो दूसरी बेलपत्री जिसमें कि आपने बड़े पत्ते के नीचे का जो पार्ट है छोटा सा, जिसमें छोटी सी डंडी है, उसमें जो आपने शहद लगाया, उस बेलपत्री को आप शंकर जी के ऊपर यानी शिवलिंग के ऊपर अर्पित करेंगे। लेकिन उसकी भी डंठल का जो मुँह है, उसकी भी डंडी का जो मुँह है, वो आप जलाधारी की तरफ करेंगे। ठीक है, अब ये आपने कर दिया, बेलपत्री का आपका काम हो गया, आपका शहद का भी काम हो गया। अब आपका ने जो कलश ले गए हैं, जो लोटा ले गए हैं तांबे का, उसमें जो जल भर के ले गए, उस में से थोड़ा सा जल तो आप अशोक सुंदरी की जगह पे जो बेलपत्र रखी है उसके ऊपर चढ़ाएंगे, और बाकी का जो बचा हुआ जल है वो शिवलिंग के ऊपर, जो आपने दूसरी बेलपत्री रखी उसके ऊपर पूरा जल चढ़ा देंगे। और ये पूरी जो प्रक्रिया है, इसको प्रक्रिया को करते समय, यानी पूरा जो उपाय जब आप कर रहे होंगे उस उपाय को करते समय, आपको जो शिव महापुराण का जो मूल मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इसको आपको लगातार बोलते रहना है। अगर आप ये नहीं बोल सके तो ओम नमः शिवाय बोल सकते हैं, नमः शिवाय बोल सकते हैं, कोई सा भी मंत्र बोल सकते हैं, भगवान शिव का कोई सा भी मंत्र वहाँ पे बोला जा सकता है। ठीक है,
अगर आप श्रद्धा भाव से इस उपाय को करते हैं और जो मैंने टाइम बताया उस टाइम में आप करते हैं और जो आपको मैंने तिथियां बताई जैसे कि आप प्रदोष के दिन ये कर सकते हो, आशिक शिवरात्रि के दिन इसको कर सकते हो, सोमवार के दिन कर सकते हो, अमावस्या के दिन कर सकते हो, पूर्णिमा के दिन कर सकते हो, इनमें से किसी भी दिन ये उपाय आप किया ये उपाय कर सकते हो। अगर आप इस उपाय को अच्छे से करते हैं तो बहुत जल्दी आपकी जो भी विशेष मनोकामना है वो पूरी हो जाएगी। आशा करता हूँ कि आपकी वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ, तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिएगा जय हिंद।